Hi friends, happy गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। हम हमेशा मोदक बनाते हैं पर मीठा ही क्यों? मीठा तो किसी को खाना ही नहीं है, सबको डायबिटीज़ है, फिर भी हम मीठा ही बनाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोदक लेके आई हूँ जो मीठा नमकीन मिक्स है, आप आराम से उसका भोग लगा सकते हैं और जी भर के प्रसाद खा सकते हैं हमारे स्वीट एंड सेवरी मोदक। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा स्पेशल मोदक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम घी। आप क्वांटिटी जो लिखा है उसके हिसाब से बनाइएगा। दैट इज़ फॉर अराउंड 3 to 4 पीपल। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत गेस्ट आए थे, हम अपने प्रसाद सब जगह बांटते हैं, तो यहाँ पे मैंने अराउंड 20 से 25 लोगों के लिए बनाया है। लेकिन मैंने जो आपको रेसिपी लिख के दिया है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 पीपल। तो आप अपने घर में जब बनाते हैं अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप सब्जियों को सौते कर रहे हैं मेक श्योर वो एकदम ड्राई हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मोदक जो है वो फटे। ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप देख सकते हो बहुत सारी सब्जियां गिर रही है इसमें। यहाँ पे मैंने डाला है स्वीट आलू बॉयल करके, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्वीटनेस चाहिए। उसके साथ मैंने डाला है चीज़ और पनीर। आप चाहो तो आपका नॉर्मल आलू भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जस्ट बिकॉज़ हम यहाँ पे एक स्पेशल स्वीट एंड सेवरी मोदक बना रहे हैं, मैंने स्वीट पोटैटो यूज़ किया है। थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, बेसन को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए तवे पे, और अब हम इसको एक मोदक शेप में बना लेंगे। आप अपने हाथों से मोदक शेप दे दीजिए, आपके पास मोदक मेकर है तो उसमें शेप दे दीजिए। अब हम इसको एयर फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारे मोदक रेडी है। 5 मिनट लगाने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया है, और अब देख सकते हो वाओ कितना क्रिस्पी हेल्दी मोदक हमारे रेडी हैं। इसको गार्निश करेंगे और भोग लगा के खाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।